सत श्री अकाल दा खालस टीवी देख रहे हो तुसीं। 24 मई दीआं वड्डीआं ते अहम खबरां लै के मैं हाजिर हाँ नवजोत कौर। पर सब तो पहला एक बेहद अहम अपील तुहानूं कर रहे हां, द खालस टीवी दे 1.5 मिलियन दर्शक अते दुनिया भर दे विच 23 मिलियन व्यूज़ नाल अथाह प्यार देण वाले दर्शक तैयार हो जाण सब तो वड्डे पोल दे विच हिस्सा लैण दे लई। 1 जून नूं पंजाब दीआं 13 लोक सभा सीटां ते लोकां ने अपने जमहूरी हक की अदायगी करनी है, जिसका नतीजा 4 जून नूं आवेगा। पर असीं 1 जून नूं वोटिंग खत्म होण दे नाल ही तुहानूं 13 सीटां दे जित्तण वाले संभावित उम्मीदवारां दे नां दस्सांगे। निरोल निरपक्ख सर्वे लई असीं तुहाडे सामणे उम्मीदवारां दे नां रख रहे हां, तुसीं सिर्फ अपनी पसंद दसणी है, जिस नूं असीं गुप्त रखांगे अते 1 जून दी शाम नूं असीं तुहाडी पसंद नशर करांगे। इस संबंधी तुसीं अपनी राय सानूं इस वीडियो दे कमेंट बॉक्स दे विच वी दस सकदे हो। यूट्यूब, फेसबुक अते इंस्टाग्राम दे उत्ते वीडियो दे विच कमेंट बॉक्स च जाके तुसीं अपनी राय दे सकदे हो, या फिर साडे पोस्टर दे थल्ले वी कमेंट बॉक्स दे विच अपनी राय रख सकदे हो, या फिर साडा इक व्हाट्सएप नंबर है 9766000001। इस व्हाट्सएप नंबर दे उत्ते भी तुसी सानू मैसेज करके अपनी राय सांझी कर सकते हो। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करांगे मौसम दी। पंजाब दे विच चल रही लू तो लोकां नू जल्दी राहत नहीं मिलण वाली है। मौसम विभाग दे वल्लों जिहड़ा अलर्ट जारी किया गया उस दे विच सारे सूबे दे विच रैड अलर्ट है, खास करके 25 मई नू तां सब तो ज्यादा तापमान दे रहण दी संभावना जताई गई है। इस दिन तापमान 48 डिग्री नूं भी पार कर सकदा है। मौसम विभाग दे ताज़ा अंकड़ियां मुताबिक 28 मई तक लू चलेगी, उस तो बाद मौसम विभाग दा नवां अपडेट आवेगा। हालांकि पंजाब विच दिन दा तापमान 1.4 डिग्री बीते दिन नालों घट सी, पर इसका असर बहुत घट देखण दे विच नज़र आया। बठिंडा दे विच सब तो वध 45.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि बाकी जिलों का तापमान 40 डिग्री नूं पार कर गया। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का तापमान भी कुछ घट होया, इत्थे 38 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पंजाब दी विच अज सवेर दा तापमान 0.7 डिग्री डिग्गया। सब तो वध तापमान फरीदकोट दा सी 32 डिग्री, जबकि रूपनगर दे विच सब तो घट 26 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दूजे पासे गुआंढी सूबे हरियाणे नूं गर्मी तो थोड़ी राहत मिल सकती है, इत्थे रैड दी थां येलो अते ओरेंज अलर्ट किया गया। दिन दे तापमान दे विच वी 1.3 डिग्री की कमी दर्ज की गई है, जिसका असर जिलों से वेखण नूं मिलिया। सिरसा विच सब तो वध 45 डिग्री तापमान रहा, जबकि सवेर के तापमान दे विच ज्यादा कमी नहीं वेखी गई। सिरसा दे विच सब तो वध 31 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उधर हिमाचल के मौसम में कुछ तब्दीली आई है, तेज़ गर्मी तो बाद हल्का मीह पिया, अज भी मीह के आसार बने हुए ने, पर 25 मई तो 3 दिन के लिए हीट वेव चलेगी। उधर राजधानी दिल्ली दे विच सवेर के तापमान दे विच थोड़ी कमी दर्ज की गई है, पर दिन का तापमान उस तरह पारा 42 से 43 के विचाले दर्ज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के भी लू का अलर्ट है, तापमान 46 डिग्री पार कर गया। उधर राजस्थान के हुण तक लू और गर्मी कारण 9 लोग की मौत हो चुकी है। बाड़मेर के लगातार दूजे दिन तापमान 48 डिग्री तो उपर रहा। जैसलमेर नाल लगती भारत पाकिस्तान सरहद ते तापमान 53 डिग्री सैलसीयस तक पहुंच गया। उधर दक्षणी भारत दे विच तापमान बिल्कुल उल्ट है, मौसम बिल्कुल उल्ट है। इधर आले पासे तो दक्षणी भारत दे केरल दे विच मौसम विभाग ने सूबे दे 2 जिलों दे विच मीह दा रेड अलर्ट जारी किया है। केरल दे कई हिस्सों दे विच भारी मीह जारी है। त्रिवेंद्रमपुरम, कोची अते त्रिसूर समेत वड्डे शहरां दे विच पानी पूरी तरह नाल भर गया, लोगों नूं आउणा जाणा मुश्किल हो रहा है। इस तो बाद कुछ खास खबरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। जिथे एक पासे पंजाब दे विच लगातार गर्मी वध रही है, उत्थे ही एक नवी रिपोर्ट सामने आई है, जिस दे विच इह खुलासा होया कि पंजाब दे विच कणक दे नाल नूं अग लाउण दीआं घटनावां दा रिकॉर्ड इस साल टुट गया। 2023 दे पूरे सीज़न दे विच 11,353 थावां ते नाड़ साड़न दीआं घटनावां दर्ज कीतीआं गईआं सी, पर इस वार 23 मई तक ही इह अंकड़ा 11,434 तक पहुँच गया। हजे सीज़न खत्म होण दे विच कई दिन बचदे ते उदों तक इन्हां घटनावां दे विच होर वाधा हो सकदा है। नाड़ साड़न दीआं घटनावां करके अग च झुलसण करके जो हादसे पंजाब दे विच होए जिन्हां दी जान गई उह वक्खरे हन। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, खेतीबाड़ी विभाग अते जिला प्रशासन दे 1100 अधिकारियां दीआं करीब 300 टीमां अजिहीआं घटनावां ते नज़र रखदियां हन वैसे, पर इस वार टीमां मैदान दे विच नज़र नहीं आईआं। कहा जा रहा है कि इन्हां दे विचों 60% स्टाफ चोण संबंधी ड्यूटियां दे विच ही मशरूफ रहा, इत्थों तक कि जुर्माना रिपोर्ट भी अजे तक तैयार नहीं की गई है। इस बाद पंजाब दे लई माण वाली खबर थोड़े नाल सांझी कर रहे हैं। पंजाब दे इतिहासिक शहर कपूरथला दी रहण वाली 23 साला वंशिका
ਭੂਮਿਕਾ ਮਕੋਲ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 550 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 200 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਨ ਮਕੋਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ 737 ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਮਕੋਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਇੰਗ 737 ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਖਬਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ EHCR ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ EHCR ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ESCR ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਸੋਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ 74,367 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 71,500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ 4ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੂਥ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨਪਾਵਰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ NGO ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫੋਰਮਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ 17C ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਬੂਥਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ PAP ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 84 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਾਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ? ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਨਏ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਉਨਕੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੜਾ। ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕਰ ਜੋ ਉਨਕੋ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪੜਾ, ਉਨਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਪੜਾ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਜੂਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਂਗੇ। क्या फिर पंजाब की सरकार जेल से चलेगी क्या?
आपको ऐसी सरकार मंजूर है क्या? ऐसी पद्धति मंजूर है क्या? ये पंजाब का अपमान है कि नहीं है? ये वीर भूमि का अपमान है कि नहीं है? ये गुरुओं की भूमि का अपमान है कि नहीं है? इस तो बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नूं भी दिल्ली तो चलन वाली पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जदों दिल्ली हाई कमांड की नहीं सुनी तो उन्होंने हटा दिता गया। गुरदासपुर की रैली दौरान पीएम मोदी ने राम मंदिर नूं सिख भाईचारे नाल जोड़न की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि सिख ही सी जिसने सब तो पहला राम मंदिर का मुद्दा चुकया सी। जब देश हित की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी आपको सबसे पीछे खड़ी नजर आएगी। अब याद करिए, कांग्रेस जब पंजाब में सत्ता में थी तो ऑर्डर्स कहां से आते थे? कांग्रेस चाहती थी कि रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलाएं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये दिल्ली के साहजादे का ऑर्डर मारने से इनकार कर दिया। वो सेना के देशभक्त जांबाज थे, उन्होंने सीमावर्ती राज होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने दिल्ली के देश विरोधी ऑर्डर लेने बंद किए, परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस के शाही परिवार और साहजादे ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। इस तो बाद क्योंकि गुरदासपुर हल्का जम्मू कश्मीर दे नाल लगदा है, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण दे विच धारा 370 खत्म करन अते पाकिस्तान नूं अपने कार्यकाल दौरान तगड़ा जवाब देने दे लई अपनी पिठ भी थापड़ी। और आप चौंक जाएंगे दोस्तों, हमारी संविधान सभा ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने, जो हमारे एससी एसटी ओबीसी समुदाय है जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शुक्रवार नूं पंजाब तो पहला हिमाचल पहुंचे हुए सन। उन्होंने पहला सिरमौर दे विच पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप ते फिर मंडी दे विच कंगना रणौत लई प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि हिमाचल दे विच ही सब तो पहला बीजेपी के सम्मेलन दे विच तय होया सी कि असी अयोध्या दे विच राम मंदिर बनाउणा है, जो हुण साडे सारयां दे सामणे है। पीएम मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सारयां दा राखवांकरण खो के अपने खास वोट बैंक नूं देना चाहुंदी है। ये वो मुसलमान हन जो जिहाद की गल करते हैं, खास तौर पर हिमाचल दे विच प्रधानमंत्री ने एक बार फिर तो राखवांकरण का मुद्दा चुकया। पीएम मोदी ने खुल के इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने कंगना खिलाफ माड़ी शब्दावली की वरतों की है। मंडी और हिमाचल की हर धी का अपमान है। हुण तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसलिए मुआफी भी नहीं मंगी। लोग इसका जवाब कांग्रेस खिलाफ वोट पा के देंगे। अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। क्या आपको ऐसा अपमान मंजूर है क्या? उधर पीएम मोदी दी रैली तो पहला गुरदासपुर ते जलंधर दे विच 6 किसान आगुआं दे घरां ते छापेमारी की गई ते उन्हां दे विचों कुछ नूं गिरफ्तार कर लिया गया। जलंधर दे विच बीकेयू एकता सिद्धूपुर जलंधर दे प्रधान कुलविंदर सिंह माछियाणा नूं अज सवेरे उन्हां दे घरों गिरफ्तार किया गया। उस नूं जंडियाला थाने लजाया गया। यूनियन दे जिला सकत्तर नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक किसान आगू ने कहा कि सानूं समझ नहीं आ रही कि पुलिस सानूं गिरफ्तार करन दी कोशिश क्यों कर रही है। असीं पहलां ही स्पष्ट कर दिता है कि असीं शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करांगे। किरती किसान यूनियन दे जिला प्रधान संदोख सिंह संधू दे घर दे बाहर भी पुलिस तैनात की गई, पर वह पहला ही घरों निकल चुके सन। छापे कल देर रात तो शुरू हो गए सन, जबकि DIG राकेश कौशल ने कहा कि कोई छापेमारी नहीं की गई। असीं किसान आगुओं नाल गलबात दे चैनल खोले हैं, उन्होंने विरोध नूं खत्म करने लई असीं उन्हां नाल गलबात कर रहे हैं, यह पुलिस दे वल्लों दावा किया गया। तो उधर अज जदों गुरदासपुर दे विच किसान इकट्ठे हुए तो शहर के बबरी बाईपास से किसान
किसान आगुआं ते बीबियां नूं पुलिस ते अर्ध सैनिक बलों ने रोक लिया। इस तों बाद किसानां ने उत्थे धरना दिता अते केंद्र सरकार प्रति अपना गुस्सा जाहर किया। हड़ताल अते कड़कदी गर्मी कारण पैदल चलने वालों नूं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पिया क्योंकि ट्रैफिक डायवर्ट कर दिती गई सी ते किसानां दा वी धरना चल रहा सी। उधर किसान आगू सरवन सिंह पंदेड़ नूं वी पुलिस ने रोक लिया तो उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना साडा हक है, असीं जाबते विच रह के प्रदर्शन किया, मोदी सरकार किसानां नूं बदनाम कर रही है। उधर नज़रबंद किए गए किसानों मिलने के लिए जलंधर तो कांग्रेस के उम्मीदवार और साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फलौर पहुंचे। फलौर के पिंड पहुंचे चन्नी ने किसानों के नाल मुलाकात की और इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे से किसानों नज़रबंद किया जा रहा। लोग समझ पैदा इतने पहुंचे हैं, इन्होंने रात पुलिस चक्कर आई सी, इन्होंने कहा मैं नंबरदार भी हाँ, पहले डीसी की परमिशन लेके आओ। फिर सवेरे तड़के ही इन्हों का घर घेर लिया, आ पुलिस खड़ी है, इन्हों घर तो बाहर ही निकल जा दिता जा रहा। अज नरेंद्र मोदी जी ने जलंधर आना है, इतों जलंधर 50 किलोमीटर है, लेकिन इतने भी किसानों नज़रबंद किया गया। पूरे हल्के किसान लीडर नज़रबंद है, इंपलाईज लीडर नज़रबंद है। मैं नरेंद्र मोदी जी ने मैं भगवंत मान को पूछना चाहता क्योंकि खोटा सिक्का अपना बगानिया क्या दोष। मैं पूछना चाहता भगवंत मान जी से कि आ जी पुलिस लगी भी है ये पंजाब की है, थोड़ा किसानों के नाल क्या बैर है आम आदमी पार्टी वाले। इस तों बाद गल हंस राज हंस की, फरीदकोट तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं हंस राज हंस। तो बीते दिन किसानों के प्रदर्शन तो बाद हंस राज हंस भावुक होंगे नजर आए, उन्होंने किसानों से उन्होंने जानों मारन का भी इल्जाम लगाया। हंस राज हंस ने दसिया कि पटियाला दे विच प्रधानमंत्री की रैली दे विच जा रहे सन, रस्ते दे विच कुछ प्रदर्शनकारी नौजवानों ने उन्होंने रोकया, उन्होंने हाथ दे विच बरशे अते किरपाना सन, उन्होंने मेरे ते हमला करन की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने ड्राइवर अते सुरक्षा कर्मी जख्मी हो गया। कहा कि मैं कल मौत नूं करीब तो वेख्या, मेरे मुंह ते कोई शिक नहीं सी क्योंकि मैं मरण तो नहीं डरदा, मेरा डर खत्म हो गया, मैनूं लग्या सी मेरा टाइम आ गया। पूरा वाक्या दसदे हुए हंसराज हंस रोण लगे। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं स्टेज तक भी पहुंची, जो उन्होंने पता चलिया तो उन्होंने फौरन सुरक्षा मुलाजमान नूं भेजा हंसराज हंस की मदद करने लई। मैं सब तो अखीर दे विच पहुंचा, प्रधानमंत्री ने सब तो पहला मेरा हाल पुछया ते फिर मैनूं गले लगाया, यह दावा हंसराज हंस दे वल्लों कीता। हंसराज हंस ने कहा कि मैनूं शुभकरण की मौत का अफसोस है, जेकर मेरी जाना शुभकरण वापस आ जाता है तो मैनूं मार दिओ, पर मेरे नाल मौजूद स्टाफ नूं सट ना पहुंचाई जाए। इस तों बाद हंसराज हंस ने कहा कि 1 जून तक मैं जिंदा रहा तो जरूर मिलांगा, जेकर मैनूं कुछ हो गया तो मेरी सोच नूं जिंदा रखना। हंसराज हंस ने कहा कि मैं किसानों के हर सवाल का जवाब देने नूं तैयार हाँ, पर मैनूं इकल्ला साध लैण। मैं सिर्फ ये कहना चाहना कि जे मैनूं मारिया शुभकरण वापस आउंदा तो वह भी मेरा बेटा सी। मैं तो उदण कहा सी जिन्हें उन्हें मारा शुभकरण उहदा पुत भी मर जाए, सारे पंजाब नूं उहदा दुख आ। जे उहदी मौत का बदला मेरे तो लैणा जां किसी होर मेरे गुनाह का बदला लैणा जां इस गल का बदला लैणा कि मैं सिर्फ गरीबां लई आया, मैं गरीबां लई भी आया, मैं किसानां लई भी आया, मैं व्यापारियां लई भी आया। मेरी कोई कास्ट नहीं, सूफियां दा कुछ नहीं हुंदा। मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि जे कोई ऐसा इरादा भी है, मैं नहीं चाहता ड्राइवर मेरा बेटे वर्गा आ ओनू कुछ होवे, मैनू किसी कल्ली जगह बुला लियो, मैं बिना गल मैं तो आ जाऊंगा, मेरा सिर हाजिर है ना, मैं मौत तो डरदा ना मैनू कोई। कल वीडियो देख लियो जे मेरे चेहरे ते कोई खौफ सी, मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया सी, दिमागी तौर ते मैं सोच लिया सी टाइम आ गया गौरव यादव नाल भी फोन ते गलबात कीती। एक टीवी चैनल नूं दित्ते इंटरव्यू दे विच कहा कि मैं अखौती किसान आगुआं दे नाल गल नहीं करना चाहुंदा, इह कहिंदे कुछ ने ते करदे कुछ ने। उन्होंने इलैक्शन कमिशन नूं इक होर चिट्ठी लिखी जिस दे विच उन्होंने कहा कि जेकर इसे तरीके हुंदा रहा तो बीजेपी की वोट प्रभावित हो सकती है, इस करके ये यकीनी बनाया जाए कि लोग बूथां तक आराम दे नाल पहुंच सकन, उन्हां तक
किसी भी तरीके ने उन्होंने रस्ते दे विच ना रोकिया जाए। इस तों बाद गल मुख्यमंत्री भगवंत मान की। मुख्यमंत्री भगवंत मान अज संगरूर तो कांग्रेस के उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा के हल्के भुलथ के चोण प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खैरा से एक तो बाद एक तंज कसते हुए लोगों को पूछा कि थोड़ा विधायक कित्थे है। 2019 के हरसिमरत बादल को जिताने के लिए बठिंडा चला गया, फिर वापस आ गया। जिहड़ी पार्टी के जाता वह हार जाती है। हुण असीं संगरूर तो इस हराउणा ते भुलथ तो इस तुसीं हरा दिओ। इस तों बाद सीएम मान ने कहा कि 2018 खैरा ने दावा किया सी कि मैं अपनी 10 मोटरों तो बिजली दे मिल मुआफ नहीं करवावांगा, मैं बिल देवांगा। इस दे लई मैं बिजली बोर्ड नूं भी चिट्ठी लिखी है, दावा खैरा ने किया सी, पर जदों मैं पता किया तां हकीकत कुछ होर ही निकली। सीएम मान ने कहा कि खैरा दा काम काज है नहीं, पर पंजाब दे अमीर उम्मीदवारां दी लिस्ट दे विच दूजे नंबर ते आउंदे ने, इह किवें हो सकदा? अलफाज़ दी गोली आ, एक रुपये का तड़क ही गालां कढ़न लग जांदे। आ थोड़े वाला तो ज़्यादा कढ़दा, वो थोड़ा MLA कित्थे है? थोड़ा MLA कित्थे है जी? उधर किधर फिरदा वो? हुण मैं ये नहीं कहिंदा, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करियो कि साडा MLA सानू धोखा दे जू, सानू छड्ड जू। छड्डू तो तां जे उत्थों जित्तू, थोड़े कोल ही रहूगा। इस गल की गरंटी लैंदा, थोड़े कोल ही रहूगा, इत्थे ही होऊगा। मुड़ के आऊगा, पहलां बठिंडे तो मुड़ के आया सी, हुण संगरूरों मुड़ आऊगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल से भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की सुरक्षा के नाल जुड़े कई अफसर सुखबीर सिंह बादल दे नाल रहिंदे हन अते कहिंदे हन कि दोवें पति पत्नी रो के सौंदे हन ते उठ के रोंदे हन। उह तां मैं किकली बना ली, साले जीजे की लड़ाई हुंदी रहिंदी है। वह कहिंदे हन कि तूं अकाली दल नूं मान जा, हुण घर दे विच कलेश पिया होया। उन्होंने मैनूं दस्सिया परसों, मैं कहा की हाल चाल है हरसिमरत कौर ते सुखबीर बादल जी का, की हाल चाल? कहिंदा जी बस मेरा नाँ ना लिओ। मैं कहा नाँ नहीं लैंदा। कहिंदा जी सौ रो के सौंदे ने, उठ के रोंदे ने, भी आ की पंगा पै गया। वह कहिंदा उत्तों तुसीं किकली किकली बना ली नवीं, वह होर जड़ी बह गई। कहिंदा लड़ाई होई जांदी है हुण आपस च, साले जीजे दी भी तैं मांझिया, अकाली दल तैं मांझिया। वह कहिंदा भगवंत मान ने तो अपना दोनों का नाँ लिया, भी आपां दोनों नहीं मांझिया। ਸੋਨਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਪਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 5 ਗੇੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ 20-25 MPs ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਜੀਤ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਘੜਤ ਝੂਠਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ KG ਮੀਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। BJP ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 1 ਜੂਨ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। 1 ਜੂਨ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 40 ਵਰੇ ਗੰਢ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती वालों भी अज नवांशहर दे विच रैली की गई। मायावती आनंदपुर साहिब तो पार्टी के उम्मीदवार जसवीर सिंह गढ़ी के हक दे विच चोण प्रचार करने लई पहुंचे सन। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने विरोधी पार्टियां दे उत्ते तंज कसदिया कहा कि बीजेपी ने भी कांग्रेस की तरह सरकारी एजेंसियों नूं अपने फायदे लई वरत्या, उन्हां सरकारी एजेंसियों का सियासीकरण किया। मायावती ने किसानों के हक दे विच बोलदिया होया कहा कि केंद्र ना ही केंद्र सरकार अते ना ही सूबा सरकार दे विच किसानों की सुनवाई है। उन्होंने कहा कि आनंदपुर साहिब हलका बसपा लई बहुत अहम है क्योंकि इस हल्के दे विच पार्टी दे संस्थापक कांशी राम दा जन्म होया। जोन प्रचार मौके उन्होंने लोगों नूं अपील की कि पार्टी उम्मीदवार नूं जिताउण। केंद्र की सरकार ने जो फ्री में थोड़ा राशन आपको दिया है, ये बीजेपी आरएसएस की देन नहीं है, ये केंद्र की सरकार की देन नहीं है, बल्कि इस देश की जनता जो केंद्र की सरकार के पास टैक्स के जरिए पैसा देती है, जमा कराती है, और टैक्स से जो पैसा आता है उस पैसे से आपको मुफ्त में राशन दिया जाता है, ये बीजेपी की देन नहीं है, आरएसएस की देन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आज रैलियां खत्म करके वापस चले जाएंगे तो कल 25 मई नूं कांग्रेस के आगू राहुल गांधी पंजाब आएंगे। राहुल अमृतसर तो अपनी रैलियां की शुरुआत करेंगे। प्रियंका गांधी दी रैलियां 26 मई नूं शुरू होणगियां। इस दौरान वह फतेहगढ़ साहिब और जलंधर के रैलियां करेंगे। इस तो बाद 29 मई नूं लोक सभा हलका पटियाला और लुधियाना के राहुल गांधी दी रैलियां की तैयारियां की जा रही ने। पंजाब कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए इस समय जुटी हुई है। उधर अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों चोन प्रचार दौरान अक्सर तीर कमान चलाउण दा दृश्य बनाउण दे उत्ते निशाना साधदे। उन्होंने कहा कि मैनूं अज तक यह समझ नहीं आया कि मुख्यमंत्री निशाना किस दे उत्ते लगाउंदे ने। मजीठिया ने पूछा कि मुख्यमंत्री यह दसण दी खेचल करनगे कि तुहाडे निशाने ते कौन है, वह गैंगस्टर जिन्हां ने सिद्धू मूसेवाले नूं मारिया, जां फिर वह गैंगस्टर जिसकी इंटरव्यू जेल दे विचों होई है, जां फिर वह लोग जिन्हां ने किसान शुभ किरण सिंह नूं शहीद कीता है, निशाने दे उत्ते कौन है, यह दसण दी खेचल मुख्यमंत्री दे वल्लों कीती जावे। यह ट्वीट दे विच विक्रम मजीठिया ने कहा। उन्होंने पंजाबी दे इक प्रमुख अखबार दे संपादक दे ते मामला दर्ज होने के मामले दे विच भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भगवंत मान दे विच इंदिरा गांधी की रूह आ गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों प्रेस की आजादी से हमला करना बिल्कुल निंदनयोग है। चोन कमीशन के नोटिस के बावजूद जंगे आजादी मेमोरियल नूं लैके अजीत अखबार के मालिक बजिंदर सिंह हमदर्द खिलाफ विजिलेंस का एक्शन रोकने का नाम नहीं लै रहा। अज सवेर जलंधर के विजिलेंस की टीम बजिंदर सिंह हमदर्द के दफ्तर पहुंच गई और नोटिस चिपका के 7 दिनों के अंदर पेश होने के निर्देश दिए। विजिलेंस के DSP जतेंद्रजीत सिंह ने आप नोटिस लैके उत्थे पहुंच के दी। नोटिस दे विच लिखा कि जंगे आजादी स्मारक की उसारी दे विच बेनियमन दे संबंधी तकनीकी टीमां दी रिपोर्ट दे आधार ते FIR दर्ज की गई है, जिस विच कहा गया है कि हमदर्द अते होरनां दे खिलाफ पैसों की हेराफेरी दे सबूत मिले हैं। नोटिस दे विच विजिलेंस ने लिखा है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश मुताबिक विजिलेंस ऑफिस जलंधर दे विच पेश होना होगा, जिथे हमदर्द तो पुछगिछ होगी, जिस तों बाद कार्रवाई अगे वधाई जाएगी। इस तों बाद गल सौदा साध दी। हरियाणा लोग सभा चोणां दी वोटिंग तो पहला गुरमीत राम रहीम दे सिरसा स्थित डेरे ने भाजपा नूं समर्थन देण दा ऐलान कीता। इस दे नाल ही शुक्रवार नूं चोण प्रचार खत्म हुंदे ही डेरे ने 15 मैंबरी कमेटी दी ड्यूटी लगा दित्ती है। डेरे दा मुखी गुरमीत राम रहीम बलात्कार अते कतल दे मामले दे विच दोषी पाया गया सी, जिस तों बाद ओह जेल दे विच है। ओह जनवरी 2024 च 50 दिनां दी पैरोल ते बाहर आया सी। उधर सौदा साध ने हाईकोर्ट दे विच पटीशन पा के मुड़ तों पैरोल दी मंग कीती होई है। इस मामले दे विच हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार कोलों जवाब मंगिया। पिछली वार जदों राम रहीम नूं पैरोल मिली सी तां हाईकोर्ट ने निर्देश दिते सन कि अगली वार पैरोल तो पहला हाईकोर्ट तो इजाजत ली जावे। इस मामले दे विच हाईकोर्ट ने जानकारी मंगी सी कि सौदा साध वांग
होर किन्ने लोगों को पैरोल दी जा रही है, जिसका जवाब हरियाणा सरकार ने दिता सी। पंजाब दे विच लोक सभा चोणां 2024 दौरान सियासी पार्टियां ते उम्मीदवारां वल्लों चोण मुहिम नाल संबंधित गतिविधियां की प्रवानगी लई 12,584 अर्जियां प्राप्त होईयां, जिन्हां दे विच 23 मई तक 9,616 अर्जियां संबंधित जिलों के अधिकारियों वल्लों प्रवान कर लिया गई। सिर्फ 378 अर्जियां बकाया हैं। इस तों इलावा 1,656 अर्जियां नूं नामंजूर किया गया, 318 अर्जियां दी समीक्षा अधीन हैं, जबकि 615 अर्जियां रद्द कर दी गई। जानकारी देंदे होया चोण कमिश्नर सिबिन सी ने दसिया कि हवाई गुब्बारियां लई 10 अर्जियां नूं मंजूरी दिती गई है, जबकि घर घर जाके प्रचार करन दी प्रवानगी लई 144 अर्जियां नूं मंजूर किया गया। इस तों इलावा हैलीकॉप्टर अते हैलीपैड की वरतों लई 25 अर्जियां, लाउडस्पीकर परमिट लई 9 अर्जियां अते आरजी पार्टी दफ्तर खोलने लई 555 अर्जियां नूं मंजूरी दिती गई है। इसे तरह पैंपलेट वंडण लई 59 अर्जियां प्रवान की गई ने, जबकि वीडियो वैन की मंजूरी लई 54 लाउडस्पीकर समेत मीटिंगां करन लई 2083 अर्जियां प्रवानगी दिती गई है। इस इलावा लाउडस्पीकर तो बिना मीटिंगां लई 279 अर्जियां मंजूरी दिती गई है। उत्थे ही नुक्कड़ मीटिंगां अते लाउडस्पीकरां लई 2,653 दरखस्तां प्रवान कीतियां गईयां ने। इस बाद अपराध नाल जुड़ियां होईयां खबरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। सभ्याचारक गायक जोड़ी रमी रंधावा ते प्रिंस रंधावा हमेशा ही अपने विवादां नूं लै के सुर्खियां च बने रहिंदे ने। रमी रंधावा ते हुण लगे इल्जामां ने सारिआं नूं हैरान कर दिता। गायक रमी रंधावा ते उसदी प्रेमिका ते चोरी का मामला दर्ज किया गया। दस्या जा रहा है कि रमी रंधावा दे एक व्योता महिला दे नाल संबंध हन, जिहड़ी महिला नाल रमी रंधावा दे संबंध दस्से जा रहे ने। उसे दे घरवाले राकेश ने थाने च जाके शिकायत दर्ज करवाई है, जिस उसने दस्या कि मेरा विआह राजविंदर कौर दे नाल 2013 दे विच होया सी, जो पिछले 5 सालां तो राजविंदर गायक रमी नाल रह रही है। जदों मैं अपनी पत्नी नूं समझाउण दी कोशिश कीती तां रमी रंधावा वल्लों उस नूं धमकियां दित्तियां जांदियां हन। चंडीगढ़ दे मलोआ अते उस दीआं आसपास दीआं कलोनियां तों करीब 800 लोगों 600 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। इस मामले च पीड़ित लोगों वालों सकत्रेत पहुंच के प्रदर्शन किया गया। लोगों ने दोष लाया कि ठेकेदार सिमर खोरवाल वासी चामपुर मोहाली ने उन्होंने चंडीगढ़ बागवानी विभाग च नौकरी दवाने के नाते करोड़ों रुपए ठगे। सारियां नूं 6 महीने लिए नौकरी से रखा गया पर तनखाह सिर्फ 1 महीने की दी गई। इस मामले चंडीगढ़ पुलिस वालों ठेकेदार और उसके साथी एजेंट से मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार करके अदालत पेश किया गया, जिथे दोवां दा 2 दिन का रिमांड पुलिस को मिला। कन्ना दे दरोहा पिंड की रहने वाली 32 साल महिला डॉक्टर नाल जबर जनाह का मामला सामने आया। डॉक्टर नूं लगातार 8 साल तक रिलेशनशिप दे विच रख्या गया, विआह दा झांसा भी दिता गया, पर बाद दे विच मुलजम इटली चला गया ते उत्थे जाके विआह करन तों इनकार कर दिता। हुण थाणा मलौद दे विच डॉक्टर ने मुलजम हरमनप्रीत सिंह खिलाफ धोखाधड़ी ते जबर जनाह दा केस दर्ज कराया। पटियाला शहर की तेजबाग कलोनी के 2 बच्चे जो अयोध्या दे विच राम मंदिर के दर्शन करन लई गए सन, उन्हां दोवां दीआं लाशां बरामद हो गईआं ने, जिन्हां नूं पटियाला विखे लिआंदा गया ते इस तों बाद उन्हां दा धार्मिक रौह रीतां दे नाल संस्कार किया गया। बच्चों के मापिया का रो रो के बुरा हाल से। मृतक बच्चों का नाम प्रिंस ते कार्तिक से। 18 मई नूं बच्चे लापता हो गए सन। परिवार वालों नूं बच्चों के कपड़े एक नदी के किनारे मिले सन। इस तों बाद लगातार उन्होंने भाल की जा रही थी ते हुण सरयू नदी के इन्होंने दोवां दी लाशों नूं बरामद किया गया। ऑनलाइन गेमिंग की फिरोजपुर तो बहुत ही खौफनाक कहानी सामने आई है। एक ही परिवार के 4 लोगों ने इसकी वजह करके सल्फास खा के मौत नूं गले लगा लिया। परिवार का मुखी ऑनलाइन गेमिंग के गुमराहकुन प्रचार दे विच अजिहा फसया कि सारी जायदाद गवा दी, जिस तों बाद कारोबारी अमन गुलाटी ने अपनी 2.5 साल की धी जीविका ते 5 साल की धी जैसिका ते पत्नी मोनिका दे नाल सल्फास खा ली। पहला उन्हां दी धीआं दी मौत हुई ते उस तों बाद दोवें पति पत्नी भी इस दुनिया तों रुखसत हो गए। लुधियाणा च 2 शरारती औरतों ने एक महिला डॉक्टर नूं ऑनलाइन निवेश करके दुगणा मुनाफा कमाउण दा चांसा दे के ठगी दा शिकार बनाया। डॉक्टर ने औरतों दे कहण उत्ते अपने खाते चों 1,40,00,000 रुपए वख-वख खात्यां च ट्रांसफर कर दिते। उक्त रकम लैण तों बाद दोवें औरतों ने डॉक्टर नाल संपर्क करना बंद कर दिता। उस तों बाद डॉक्टर ने पुलिस नूं शिकायत दर्ज करवाई ते उत्थे पता लगा कि एक वड्डी धोखाधड़ी हुई है। पुलिस हुण दोवां औरतों की भाल कर रही है। दोवां औरतों की पहचान सानवी अते अनन्या दे रूप वजों हुई है। माझीवाड़ा नेड़े पिंड वहलूवलपुर दे विच बाबा बड़भाग सिंह डेरे तों मत्था टेक के वापस आ रहे श्रद्धालुआं की महिंद्रा पिकअप नहर दे विच जा डिगी। गड्डी दे विच 16 यात्री सवार सन। हादसा ड्राइवर की अख लगन कारण वापरिया। क्रेन की मदद के नाल गड्डी नूं बाहर कढ़िया गया ते यात्रियों नूं भी पानी चों बाहर कढ़िया गया। पानी विच डुब्बण कारण 2 औरतां 2 बच्चियां अते 1 5 साल दे बच्चे की मौत हो गई।
हरियाणा के अंबाला च अज एक वड्डा हादसा वापरिया। इत्थे शरधालुआं नाल भरिया एक टैंपू ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया। हादसे दे विच 6 शरधालुआं की मौत हो गई जबकि 15 के करीब व्यक्ति जख्मी हो गए। अंबाला पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बुलंदशहर के शरधालु माता वैष्णो देवी जा रहे सन ते खड़ी ट्राली के विच टैंपू ट्रैवलर टकराया जिस तों बाद हादसा वापरिया। मोहाली के फेस 11 तो एक मंदभागी खबर सामने आई है जिथे देर रात ओवर स्पीड कारण एक गड्डी दरख्त के नाल टकरा गई। हादसे विच 28 साल नौजवान सिर च सट लगन करके मौत हो गई। मृतक की पहचान गुरजंट सिंह पिंड वासी कंबाली वजो हुई है। इस बार देश पद्धर दड्डिया खबर थोड़े साझे कर दें। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के एक हैलीकॉप्टर का रूडर खराब होने कारण हैलीकॉप्टर डावनडोल हो गया। इस बाद पायलट ने हैलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करवाई। जिथे लैंडिंग की गई उत्थे एक नाला से पर पायलट की सियाणप नाल केदारनाथ के एक बड़ा हादसा होने टल गया। हैलीकॉप्टर के सारे यात्री और चालक दल के मैंबर सुरक्षित बाहर कढ ले गए। बीसीसीआई के सकत्तर जय शर्न ने अज उन्हों दावों का खंडन किया जिस कहा जा रहा है कि बोर्ड ने भारत का मुख्य कोच बनने लिए सबका आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर संपर्क किया। मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अगले महीने T20 विश्व कप तो बाद खत्म हो रहा। मनिया जा रहा है कि द्रविड़ ने बोर्ड को कहा है कि वह अपने कार्यकाल के वाधा नहीं चाहते। आस्ट्रेलिया के सबका क्रिकेटर रिकी पोंटिंग और जस्टिन लैंगर ने दावा किया कि उन्होंने इस अहदे की पेशकश को ठुकरा दिता है। पर शाह ने अपने बयान कहा कि मेरे या बीसीसीआई किसी ने भी कोच के अहदे किसी सबका ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर नाल संपर्क नहीं किया। मीडिया के विच चल रही खबरां पूरी तरह गलत हैं। महाराष्ट्र के थाने जिले के विच कैमिकल फैक्ट्री के विच धमाका होने तो बाद हादसे वाली थान तो एक होर लाश बरामद हुई है जिस तों बाद मरने वालों की गिनती 9 हो गई है। हादसे के विच 64 व्यक्ति जख्मी हुए सन। पुलिस ने डोबीवली MIDC के फेज 2 के विच स्थित आमुदान कैमिकल्स के मालकों खिलाफ कतल का मामला दर्ज किया। फैक्ट्री के मलबे को हटाया जा रहा है और लाशा मिलने का खदशा जताया जा रहा है। इस बाद दुनिया पद्धर दी वड्डियां खबरां थोड़े नाल सांझे कर रहे हैं। एक हफ्ता पहला लापता हुए बंगलादेश के संसद मैंबर अनवारुल अजीम के कथित कतल के मामले च पुलिस ने एक व्यक्ति नूं वीरवार रात नूं गिरफ्तार कर लिया। इस व्यक्ति की पहचान जिहाद हवलादर वजो हुई है। व्यक्ति ने कथित तौर पर लाश नूं खुरद बुरद करन दे विच भूमिका निभाई सी। बरतानिया के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वालों अचानक देश दे विच 4 जुलाई नूं आम चोणां होण दा ऐलान कर दिता गया जिस तों बाद भारत अते बरतानिया दरमियान मुक्त व्यापार समझौता मुलतवी होने की संभावना है। भारत दे विच लोकसभा चोणां दे नतीजे बरतानिया दे विच आम चोणां तों महज एक पहलां 4 जून नूं ऐलाने जाणगे। सियासी विश्लेषकां अते रणनीतिक माहिरां ने भरोसा प्रगटाया है कि नतीजे जो भी होण दुवल्ले संबंधां दे विच कोई खास तब्दीली नहीं आवेगी। पर जिस समझौते ते सुनक दी अगवाई वाली कंजरवेटिव पार्टी सरकार दे अधीन दस्तखत कीते जाण दी उम्मीद सी हुण आम चोणां दे ऐलान कारण मुलतवी होण दी संभावना है। उदे यूके दे संसद मैंबर तनमनजीत सिंह ढेसी एक बार फिर सलोत उम्मीदवार बने हन। तनमनजीत सिंह ढेसी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि लखां लोकां नूं बदला अते लेबर सरकार दी सख्त लोड़ है क्योंकि साडे कोल हर मसले नूं सुलझाउण दी योजना। आम चोणां 4 जुलाई नूं बरतानिया दे विच हो रहीआं ने। सिंगापुर एयरलाइंस दी उड़ान विच झटकियां कारण 22 यात्रियां दीआं रीढ़ दी हड्डी ते 6 दे सिर दे विच सट्टां लगीआं। हस्पताल ने कहा है कि जख्मी 20 व्यक्ति इंटेंसिव केयर यूनिट दे विच हन पर किसी दी जान नूं खतरा नहीं है। लंडन तों सिंगापुर लई उड़ान भरन वाले जहाज मंगलवार को अचानक जोरदार झटके लगे सन। जहाज 3 मिनट अंतर 6000 फुट ते हेठा आ गया सी। इस कारण 73 साल बरतानवी व्यक्ति की दिल का दौरा पैण करके मौत हो गई सी। जहाज दे विच 229 व्यक्ति सवार सन ते इन्हां दे विच 18 चालक दल दे मैंबर सन। वियतनाम की राजधानी दे विच तंग गली विचली अपार्टमेंट बिल्डिंग विच रात अग लगन करके 14 व्यक्तियों की मौत हो गई अते 6 जख्मी हो गए। केंद्रीय हनोई दे विच अपार्टमेंट बिल्डिंग तक जाने वाली गली सिर्फ 2 मीटर चौड़ी है। इस कारण अग बुझाऊ अमले नूं उत्थे पहुंचण दे विच काफ़ी समा लग्या। अधिकारियों ने कहा कि मरन वालों के परिवारों नूं $1,900 अते जख्मियों नूं $11,070 मुआवजे वजो देंगे। इस सन अज 24 मई दी वड्डियां ते अहम खबरां। देश दुनिया दी होर खबरां देखण दे लई तुसीं जुड़े रहो द खालस टीवी दे नाल।